प्रोफेसर यू लुक सो गुड हाय मेरी जान, मतलब कम से कम भी 35 साल पुरानी रफाकत होगी हमारी. हाँ तकरीबन है ना. और इतने सारे सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदले फैसल. हाँ, नहीं तुम आज भी बिल्कुल वैसे हो जैसे इतने सालों पहले थे. आज भी अच्छा लग रहा हूँ. बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छे. यू नो बट वन थिंग आई मस्ट से, एक तुम और एक बाबरा, आई मीन द टू ऑफ यू जस्ट रिफ्यूज टू ग्रो ओल्डर टू एज. क्या राज है मुझे भी बताओ ना प्लीज. काफी काफी इसमें राज है. एक दो बताऊंगा, वो असली वाला राज नहीं बताऊंगा. ओके. यू नो टू स्टे हैप्पी, खुश रहना चाहिए. हम खुश रहते हैं. मैं एटलीस्ट मैं खुश रहता हूँ. कितने खुश रहते हो? काफी ज्यादा. मेरे बगैर कौन खुश रखता है फैसल तुम्हें? बहुत लोग हैं मुझे जिंदगी में खुश रखने वाले, सिर्फ आप तो नहीं. मेरी तरह मेरे भी बहुत से लोग हैं. अच्छा. कभी मैंने कहा कभी मुकाबला करके देख लेंगे मेरी जान. ठीक है. इस मामले में मैं ही नंबर वन हूँ, कह दिया मैंने. मैं साइमा जैसी नहीं हूँ जो कभी इकरार ना करूँ अपने नंबर का. और दूसरा राज ये है कि यू नो ईट वेल, एक्सरसाइज, हैव फ्रेंड्स, गो आउट एंड हैव अ गुड टाइम. जिंदगी को यू नो फॉर द मोमेंट लिव करो, ना पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर के बारे में, इसलिए कि दोनों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. है पर तुम्हें तो पता ना जानी कि मेरी नज़र जो है वो फ्यूचर पे भी रहती है और प्रेजेंट्स पे भी रहती है. I love receiving presents. और तुम देखो मेरे लिए कुछ नहीं साथ लेकर आए, खाली हाथ ही आ गए. नहीं मैं लाया, वो गाड़ी में पड़ा हुआ है. मैं फिर वापसी पे जब इकट्ठे हम जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें दूंगा. और तुम्हें कैसे खुशफहमी हो गई कि हम इकट्ठे जाएंगे फैसल रहमान? मैं आई वॉज होपिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नहीं. बट मुझे साइमा को बताना पड़ेगी एक बात. साइमा असल में ना मेरी और फैसल की कुछ अरसे का हमारा एक छोटा सा शॉर्ट लिफ्ट अफेयर, इसको कहते हैं ना, छोटा सा हमारा शॉर्ट लिफ्ट अफेयर था. कुछ दिनों की मोहब्बत थी. क्यों बता दिया लोगों को तुमने? मुझे बताओ कि सच्ची मोहब्बत की किसी से कभी? बिल्कुल सच्ची वाली, टूट कर जाने वाली. बहुत टूट के जाने वाली. हाँ बिल्कुल की. और जिसकी वजह से अब मैं किसी से नहीं कर सका क्योंकि वो टू मच ऑफ अ हार्ट ब्रेक था, तो इसलिए आई डोंट वांट टू. लेकिन शायद आई डोंट नो जिंदगी में अभी कभी आगे शायद हो जाए. नहीं आई होप सो, बट आई थिंक द अरेंजमेंट दैट वी हैव विद ईच अदर इज क्वाइट कन्वीनियंट. हां वेरी कन्वीनियंट. अब कौन पड़े इन मोहब्बतों के चक्करों में, है ना. आई होप दो दिन तो ठहरोगे ना मेरे पास. अच्छा आजकल क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या मसरूफियात हैं, क्या हो रहा है आजकल? आजकल मैं एक्टिंग मैंने थोड़ी सी कम की हुई है, बिकॉज मैं आई एम डूइंग लॉट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ माय ओन. आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस ऑफ माय ओन, तो मैं ज़्यादातर अब आजकल खुद अपने प्लेज वगैरह लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ फॉर डिफरेंट चैनल्स. तो ये चंद सालों से मैंने ये शुरू किया एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट. एक्चुअली एक्टिंग को आई डोंट मिस एक्टिंग दैट मच, इसलिए कि इतना काम बड़ा मोनोटोनस हो रहा है. एक किस्म के प्लेज, एक किस्म की फिल्में, एक किस्म के कैरेक्टर्स और रोल्स मिलते हैं. नहीं बट आई थिंक यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब. सम ऑफ योर टेलीफिल्म्स आई हैव सीन दैट यू प्रोड्यूस्ड एंड रिटन एंड आई थॉट दे वर वेरी वेरी गुड. और मैं ऐसे नहीं सबकी तारीफ कर दिया करती.